दोस्तों, बस कुछ दिनों पहले ही नासा के वैज्ञानिक अंतरिक्ष में मौजूद एक ब्लैक होल का निरीक्षण अपने शक्तिशाली दूरबीन से कर रहे थे। तभी अचानक एक ऐसी आवाज आई जिसे सुनकर नासा के वैज्ञानिकों के होश उड़ गए, क्योंकि नासा अब तक मान रहे थे कि शून्य अंतरिक्ष में कोई भी आवाज ट्रैवल नहीं कर सकती। उन्होंने जब इस आवाज को बड़े ध्यान से सुना तो वे और भी हैरान हो गए, क्योंकि ये आवाज उनकी थी। दोस्तों, आखिर क्या है ये मामला और आखिर क्या कहा नासा ने इस आवाज के बारे में, इसे जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज टीवी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, हमारा अंतरिक्ष रहस्यों से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी ये पूरी तरीके से खाली है। अंतरिक्ष के खाली होने के कारण वहाँ कोई आवाज सुनाई नहीं देती। खाली अंतरिक्ष में ध्वनि तरंगे आगे नहीं बढ़ पाती। हालांकि कई जगहों पर अंतरिक्ष में गैसें हैं जिनके कारण ध्वनि तरंगे ट्रैवल कर सकती है। नासा ने अब हाल ही में आकाश गंगा समूह के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल की ध्वनि को खोजा है। इस ध्वनि को खोजने के बाद नासा ने इसे सोशल मीडिया पर पब्लिश कर दिया। नासा ने कहा कि हमने 250 मिलियन प्रकाश वर्ष तू इस क्लस्टर में गैस और प्लाज्मा के जरिए बढ़ने वाली वास्तविक ध्वनि तरंगों को खोजा है। नासा ने ट्वीट में लिखा, ये धारणा गलत है कि अंतरिक्ष में कोई ध्वनि नहीं है। एक गैलेक्सी क्लस्टर में इतनी गैस है कि हमने वास्तविक ध्वनि को पकड़ लिया है। यहाँ एक ब्लैक होल की एम्पलीफाइड और अन्य डेटा के साथ मिक्स करके बनाएगी ध्वनि है। ये आवाज एक कंपन है जो सुनने में बेहद डरावनी है। नासा की ओर से जारी किए गए ब्लैक होल की आवाज में लोगों को ऊन सुनाई दिया। कई लोगों ने नासा के वीडियो को रीट्वीट करते हुए लिखा कि अंतरिक्ष में ओम की ध्वनि गूंजती है। एक यूजर ने लिखा कि विज्ञान हिंदू ऋषियों से पीछे है। विज्ञान ने आज जो खोजा है वो बहुत पहले ऋषियों ने खोज लिया था। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि ओम स्वास्तिक ध्वनि है जो ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये सिर्फ एक कंपन की आवाज है या फिर ओम की आवाज? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए नॉलेज टीवी। धन्यवाद।